कस्टमर को जो वेस्ट में और एडवांस कंट्रीज में मिलता है। तो उसी सिलसिले में आज से 10 साल पहले आपको पता है फास्टवे ने केबल की शुरुआत की इस रीजन में और बहुत तेजी से मार्केट में एक डोमिनेंट लीडरशिप पोजीशन ले ली। पिछले 2.5 साल पहले ये जानते हुए कि इंटरनेट इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे आने वाले टाइम में, नेट प्लस ब्रॉडबैंड का लॉन्च हुआ और उस वक्त हम लोगों ने ये डिसाइड किया। उस वक्त मार्केट में 2 MB 4 MB की स्पीड के बारे में बात होती थी, हम लोगों ने वो 2 MB 4 MB की स्पीड के बदले 50 MB की स्पीड से शुरुआत की। आइडिया बहुत क्लियर था कि कस्टमर को वो एक्सपीरियंस मिले जो उन्होंने आज तक नहीं लिया है। हमने करीबन 20 गुना अधिक स्पीड मार्केट में दी और उसका ही नतीजा है कि कस्टमर्स ने हमें बहुत तेजी से अडॉप्ट किया, हमारी सर्विसेज पे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज हम लोगों ने 2.5 साल के छोटे से अंतराल में ही 1.5 लाख कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम लोग हमेशा से इस बात को ध्यान में रखते रहे हैं कि कस्टमर के को सेंटर में रखते हुए ही उनकी सारी ऑफरिंग्स हम बनाएं। तो कस्टमर को मैं आपको बताऊं, 3 चीज़ें हैं इंटरनेट में जो सबसे ज़्यादा लुभाती हैं और जिसके ऊपर कस्टमर का इंटरेस्ट रहता है। पहला तो ये कि स्पीड कितनी है, दूसरा ये कि डेटा कितना मिल रहा है और तीसरा ये कि किस कीमत पे मिल रहा है। तो स्पीड की कीमत, स्पीड की आज इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। हम लोगों के पास टाइम कम है, बहुत सारा काम हमें करना है। इंटरनेट में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और उन सबको एक्सेस करने के लिए हम चाहते हैं कि स्पीड इतनी हो कि एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और टाइम भी बचे ताकि हम उस टाइम को ही और इन्वेस्ट कर पाए। दूसरा, पहले जो मैं बात कर रहा था वो डेटा से रिलेटेड था। नेटफ्लिक्स, अमेजन अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इतने सारे एप्लीकेशंस, वीडियोस हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, कंटिन्यूस इसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। तकरीबन 4.5 घंटा एवरेज हिंदुस्तानी इंटरनेट के वीडियोस को व्यू कर रहा है। तो अगर इस तरह की यूसेज है तो डेटा बहुत सारा चाहिए और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डेटा को अनलिमिटेड कर दिया है। ये आज की स्पेशल अनाउंसमेंट है और तीनों पहलू, चाहे वो स्पीड हो जिसमें हम ऑलरेडी 50 Mbps से लेके 1 GB तक स्पीड देते हैं और चाहे वो डेटा हो जिसमें हमने अनलिमिटेड ऑफर ले आए हैं और साथ में प्राइस जो मार्केट में आज 1500 रुपये की चीज़ है वो हमने 599 रुपये मात्र में अनाउंस की है। तो अब हर यूज़र को, हर भारतवासी को इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट 50 Mbps या उससे अधिक अनलिमिटेड डेटा सिर्फ 599 में मिलेगा। ये एक तरह से क्रांतिकारी ऐलान है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस अनाउंसमेंट के बाद कस्टमर्स और एनकरेज होंगे और इन प्लान्स को यूज़ करके और इन सर्विसेज को अडॉप्ट करके हमें अपनी सेवा का मौका देंगे और भरपूर एक्सपीरियंस लेंगे इंटरनेट का। सर, जो पहले से प्लान चल रहे हैं 1100 1200 या 600 वाली, क्या होगा अनलिमिटेड? देखिए, हम लोगों ने इस बात का बहुत ध्यान दिया है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं बेनिफिट सबसे पहले उनके पास पहुंचे, फिर नए कस्टमर्स के पास भी जाए। तो उन लोगों को हम लोग ऑटोमेटिकली बेस्ट फिट प्लान में माइग्रेट कर देंगे इमीडिएटली। सो हाँ, 1 अप्रैल से ही उनको हमने इस प्लान में माइग्रेट करना शुरू कर दिया है और मेरे ख्याल में 60-70% बेस को कर दिया है। अगले 3-4 दिनों में तकरीबन सारे बेस को हम लोग उनके बेस्ट फिट प्लान में माइग्रेट कर देंगे। स्पीड के हिसाब से, जैसे 50 MB अनलिमिटेड आपका 599 में है, 75 अनलिमिटेड 799 में है, इस तरह से 100 MB 999 में है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको हम लेके आए। अगर कोई नया यूजर लेना चाहेगा तो लेना पड़ेगा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है? सबको ज्यों का त्यों है। हमारा जो इक्विपमेंट है, हमने हर घर को फाइबर से कनेक्ट किया हुआ है। आप सबकी जानकारी के लिए तकरीबन 20 लाख घरों तक हमारी फाइबर अभी पहुंच गई है। इस फाइबर में ये कैपेसिटी है कि कस्टमर आज अगर 50 MB लेना चाहता है और कल 1000 MB लेना चाहता है तो उस बगैर किसी बदलाव के वो सारी सेवाएं वो अपग्रेड करा सकते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट मील का पत्थर आगे साबित होगी वो ये कि इस तरह के डेटा और स्पीड्स के साथ अब हम लोग आगे आने वाले टाइम में IPTV सर्विसेज, OTT सर्विसेज, स्मार्ट वॉइस सर्विसेज और उसके साथ ही स्मार्ट होम और होम ऑटोमेशन सर्विसेज भी लेके आएंगे। आप देखेंगे कि आगे ज़्यादा दूर नहीं, अगले 1-1.5 साल के अंदर ही हमारे घर के तकरीबन सारे डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू चलेंगे,
जिस तरह बिजली आने के बाद फ्रिज और एसीज और वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव चलते हैं, उस तरह इंटरनेट के थ्रू उनको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। आज भी कई लोग अपने घरों में कर्टन्स को और बाकी कुछ डिवाइस लाइट्स को वायरलेस के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस पर बहुत काम चल रहा है, हमारी ट्रायल्स भी चल रही हैं और हम जल्दी ही इसके ऊपर अगला ऐलान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।